आज का विषय जो बहुत ही बड़ा और समझने वाला है, हाँ, क्योंकि आज अगर लोग परेशान हैं, दुखी हैं, बोलो क्या है, अगर आज लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तो उसका कारण परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रबंध को जानते नहीं है। क्या नहीं जानते हो? परमेश्वर के प्रबंध को नहीं जानते। जहां पे मत्ती 13 में कैसे लिखा, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलीजा, और कुछ यिर्मयाह जां भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, यूना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ये बात उस पर प्रकट की है। हालेलुया। क्या की है? जब यीशु मसीह लिखा कैसरिया और फिलिप्पी के प्रदेश में से आया, तो चेले कुछ पूछने लगे, हाँ, और अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, हाँ? उसने कहा, कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, कुछ एलीजा, उन भविष्यवक्ताओं में से एक कोई तुझे ऐसे कहते हैं। पर पत्रस ने उन सबसे में क्या जवाब दिया? उन्हें कहा, तू जीवते परमेश्वर, हाँ, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने कहा, धन्य है तुम, क्योंकि यह बात तुझ पर लहू और मांस ने नहीं, किसने प्रकट की है? किसने प्रकट की है? परमेश्वर ने की है, हाँ, स्वर्ग से यह बात तेरे ऊपर प्रकट की है, तो धन्य है। फिर उसने कहा आगे 18 में लिखा, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्रस है, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के पाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खोलेगा। क्या खोलेगा? उसने कहा, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पत्रस है। क्या है तू? पत्रस है, समझते हो? तू पत्रस है। ओरिजिनल टेस्टमेंट में यहां पे तो लिखा ना, ऐसे सिंपल लिखा है कि मैं तुम्हें कहता हूं पत्रस है, हाँ, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पर मैं आपको इसका आज मीनिंग अच्छे से आपको समझाता हूं, क्योंकि ओरिजिनल टेस्टमेंट में जो हिब्रू की भाषा, पुराने नियम का जो ओरिजिनल टेस्टमेंट है, उसमें कैसे लिखा हम देखेंगे। हाँ, इसको आगे लेकर आना, एक सेकंड। हाँ, ये 40:74 47:4, हाँ, तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो, जहां पे ओरिजिनल टेस्टमेंट में ऐसे ये लिखा है, पत्रस, हाँ, पत्रस अपेरियंटली एंड ए प्रेमली वर्ड ए पीस ऑफ रॉक एज ए नेम पत्रस एंड अपोस्टल, ऐसे लिखा था। कैसे लिखा था? मैं फिर से आपको बताता हूं। तो ओरिजिनल टेस्टमेंट में ऐसे लिखा था, पत्रस अपेरियंटली ए प्राइमली वर्ड ए पीस ऑफ रॉक एज ए नेम पत्रस एन अपोस्टल। तो यहां पे ऐसे जो लिखा गया, इसका मतलब था यीशु मसीह ने पत्रस को कहा कि तू एक छोटा सा क्या है, रोक मतलब एक छोटा सा पत्थर है। क्या है? तू एक छोटा सा पत्थर है, छोटा सा। कैसे कहा उसे? पत्रस मतलब एक तू छोटा सा पत्थर है, समझते हो?
फिर उसने कहा मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, और यह बात यीशु मसीह ने अपने लिए कही। कैसे कही? ये इसका 47:3 निकालना, कैसे लिखा है ये ओरिजिनल टेस्ट में, ये इसका हाँ। तो यहां पे ऐसे लिखा, यहां पे लिखा पेट्रा, पेट्रा उसने चट्टान को कहा, पेट्रा फीमाइन ऑफ द सेम ए मास ऑफ रोप, कैसे लिखा, पेट्रा फीमाइन ऑफ द सेम ए मास ऑफ रोप, समझते हैं? सेम मतलब रॉक, मतलब जैसे उसे एक छोटा पत्थर कहा, और यीशु मसीह ने पेट्रा मतलब चट्टान, उसने ये बात अपने लिए कही। किसके लिए कही? फिर उसने कहा कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, क्या ना होंगे? अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, समझ आ रही है? उसने ऐसे कहा, और मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। और यह बात यीशु मसीह ने पत्रस से कही थी। किसे कही थी? कि मैं तुझे, तू एक छोटा पत्थर है, हाँ, पत्रस मतलब एक छोटा पत्थर, हाँ, पेट्रा मतलब चट्टान, वो मैं हूं। कैसे कहा? पेट्रा मतलब वो चट्टान मैं हूं, और मैं तुझे स्वर्ग राज्य की क्या दूंगा? कुंजियां दूंगा। क्या दूंगा? स्वर्ग राज्य की कुंजियां। ये स्वर्ग राज्य की कुंजियां क्या है? आज उद्धार की कलीसिया को पता नहीं, हाँ, कि मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। वो स्वर्ग राज्य की कुंजियां उद्धार की कलीसिया के लिए जो परमेश्वर ने आज, हाँ, अपना वचन दिया, रोम की पत्री से लेकर तसलुकियों की पत्रियां। कौन सी पत्रियां? रोम की पत्री से लेकर तसलुकियों की पत्रियां, जिसमें पौलुस ने अफिसियों के लोगों को कहा, इस वचन को भी देखेंगे, अभी मैं क्लियर करूंगा आपको कि उद्धार की कलीसिया के लिए परमेश्वर का प्रबंध क्या है, और आज हमने क्या करना है, हा? जैसे लोग, कुछ लोग तो ऐसे समझते हैं कि जैसे आज लोग समझते हैं कि ये कलयुग है। क्या ये है? ये कलयुग है, कलयुग। क्या ये कलयुग है, इसलिए ये सब कुछ ऐसा है, क्योंकि जैसे लोग हैं वैसे ही कौन है, हा? पर ये कलयुग नहीं है। कितने मसीह लोग भी हैं जो आज भी समझते हैं कि ये कलयुग है, ये कलयुग नहीं, ये कृपा का युग है। क्या ये कलयुग नहीं, ये कृपा का युग है। क्या है ये? कृपा का युग चल रहा है, कलयुग नहीं है, हाँ। इसलिए ना समझने के कारण परमेश्वर के लोग क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। इसलिए फिसियों की पत्री उसकी 3:1 में ऐसे लिखा, इस वचन को देखेंगे कि परमेश्वर का प्रबंध क्या है अपने लोगों के लिए। तो यहां पे पौलुस ने ऐसे एफिसिया की कलीसिया को कहा, इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये के वह भेद मुझ पर प्रकाशमान के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संपेश मैं लिख चुका हूं, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और वीक्षकों पर प्रकट किया गया है, अर्थात ये कि मसीह यीशु में शुभ समाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास में सांझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के बागी हैं। मैं परमेश्वर के उस अनुग्रह के दान के अनुसार
जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस शुभ समाचार का सेविक बना, और मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि अन्य जातियों को मसीह का अगम्य धन का शुभ समाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए। ये स्वर्गीय स्थानों जो शब्द है, हाँ, क्योंकि उन प्रधानों और अधिकारियों पर, हाँ, ये शैतान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उन दुष्ट आत्माओं की। किनकी? उन दुष्ट आत्मा की जो लूसीफर के साथ स्वर्ग से गिराई गई। हाँ, क्या गई थी, समझ रहे हो? क्योंकि लूसीफर भी पहले किसका फरिश्ता था, किसका स्वर्गदूत था, पर उसके अंदर भी क्या आ गया? पाप। और पाप आने के कारण लिखा उसे स्वर्ग से गिरा दिया, समझ रहे हो? और साथ ही जो उसके कितने दूत थे उन्हें भी बरमाया, आरस वो सब क्या है, दुष्ट आत्मा बन चुकी है। क्या बन चुकी है? और ये लिखा ना, उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों, ये स्वर्गीय स्थान, ये लिखा हाई प्लेसेस, इंग्लिश के वचन में लिखा, किम वर्जन में हाई प्लेसेस, मतलब शैतान ने अपनी जगह ऊंची जगहों पर बनाई है, स्वर्गीय स्थानों में नहीं, क्योंकि वहां से तो वो गिरा दिया, अभी उसने अपनी ऊंचे स्थानों में अपनी जगह ऐसे बसेरा किया है। लिखा उन पर प्रकट किया जाए कि उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह से की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। आमेन, हालेलुया। उसने कहा, क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रबंध के बारे उन्हें बताया, इसलिए उसने कहा साहस ना छोड़ो। क्या ना छोड़ो? साहस ना छोड़ो कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। क्या है जो लिखा? पहले समय में कैसे परमेश्वर की संतानों को ऐसा नहीं बताया, जबकि अब बताया गया है अपने प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा। परमेश्वर ने जो आज अपनी आत्मा के द्वारा बातें की, हा? शुरू में भी परमेश्वर ने तो कहा था, हाँ, जब आदम और हवा ने पाप किया, क्या किया? पाप किया, तो परमेश्वर ने हवा को तो श्राप दिया, आदम को भी दिया। किसको? हवा को श्राप मिला शुरू में, आदम को श्राप मिला, फिर शैतान को भी। हवा को श्राप मिला है कि तूने मेरी आज्ञा को तोड़ा है, अब तू बच्चे जनेंगी और पीड़ा में जनेंगी। हाँ, शैतान, हाँ, और आदम को परमेश्वर ने कहा कि तूने उसकी बात को मानकर आज्ञा को तोड़ा, अब तू खून पसीना बहाएगा तब अपना पेट भरेगा। क्या भरेगा? तब अपना पेट भरेगा। और शैतान को कहा, तूने स्त्री से पाप कराया, मैं स्त्री से एक संतान पैदा करूंगा जो तेरे सिर को क्या कर देगा? कुचल देगा। क्या कर देगा शैतान? इसी लिखा ना, अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान किस पर प्रकट किया जाए? उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों, स्वर्गीय स्थान मतलब हाई प्लेसेस, ऊंची जगह पर जिसने बसेरा किया है, उन पर, हा? अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन पर प्रकट किया जाए। आज जो परमेश्वर ने उद्धार की कलीसिया को अपना ज्ञान दिया है ना, उस ज्ञान के द्वारा वो चीजें प्रकट की जाए। समझ आ रही है? जो शुरू में शैतान को प्रश्न किया, तूने स्त्री से पाप कराया, मैं स्त्री से संतान पैदा करूंगा जो तेरे सिर को क्या कर देगा? कुचल देगा। हा? क्या कर देगा? ये तेरे सिर को कुचलेगा। हा? और ये बातें परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता, अपने नबियों के द्वारा पहले यीशु मसीह के आने से पहले ही हजारों साल भविष्यवाणियां हुई,
हजारों साल पहले क्या हुई, पहले ही भविष्यवाणियां हो गई थी। हाँ, जैसे यशाया नबी ने, किसने, है ना, जब हम 53 में देखते हैं तो यशाया नबी के द्वारा भविष्यवाणी हुई, यीशु मसीह के द्वारा, मूसा के द्वारा हुई, दाऊद के द्वारा हुई, हाँ, बहुत से नबियों के द्वारा क्या हुई, उसकी यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी हुई। क्या हुई है, भविष्यवाणी हुई। समझ आ रही है, समझ आ रही सबको, और वो बात आज प्रगट है हमें। वो बात आज मैंने कहा उद्धार की कलीसिया के लिए क्या है, प्रगट है। और इसीलिए पौलुस ने अफिसियों के लोगों को कहा कि जो बात, हाँ, जो बात प्रकाशमान, हाँ, प्रकाशन, वह वेद मुझ पर प्रकाशमान के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संपेश में लिख चुका हूं। क्या हूं, लिख चुका हूं। और ये वेद क्या है, जब यीशु मसीह ने पत्रस को कहा, क्या कहा था, कि तू एक पत्रस है, एक छोटा सा पत्थर है, पीस ऑफ रॉक मतलब एक छोटा पत्थर, और पेट्रा मतलब मैं चट्टान हूं। क्या हूं मैं वो चट्टान हूं जिस पर मैं अपनी कलिसियां बनाऊंगा। हाँ, क्या बनाऊंगा, और स्वर्ग राज की कुंजियां मैं तुम्हें दूंगा। और ये स्वर्ग राज की कुंजियां क्या है, यही वेद जो पौलुस कह रहे हैं प्रकाशमान के द्वारा मुझ पर क्या हो गया, प्रगट हो गया। क्या हो गया, मुझ पर प्रकट हुआ। हाँ, अन्य समयों में क्या था, बोलो क्या था, अन्य समयों में तो ऐसा परमेश्वर ने अपनी मनुष्यों को, अपनी संतानों को ऐसा नहीं बताया, जबकि अब परमेश्वर ने अपने प्रेरितों और भिक्षुकों के द्वारा, आत्मा के द्वारा अब बताया है। क्या बताया है, जो अब चीज बताई, तो उसने कहा ये भेद आत्मा के प्रकाशन से मुझ पर प्रकट हुआ है। किसके प्रकाशन से, आत्मा के प्रकाशन से। यही वेद यीशु मसीह ने पत्रस को, ध्यान से सुनो ये आत्मिक बातें हैं, और आत्मिक बातों को समझने के लिए हमें आत्मिक बनना पड़ेगा। क्या बनना चाहेंगे, अगर आप अपना भला चाहते हो, हाँ, जैसे आज उद्धार की कलीसिया का भला क्यों नहीं हो रहा, लोगों का भला क्यों नहीं हो रहा, क्यों लोग परेशान है, हाँ, बोलो क्यों लोग परेशान है, क्यों लोग आज इस चर्च से उस चर्च, उस चर्च से उस चर्च, यहां से वहां और वहां से यहां, यहां से प्रार्थना, वहां से प्रार्थना, वहां से प्रार्थना, पता नहीं कितनी प्रार्थना, और फिर भी काम बन रहा, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध को जानते नहीं है। जो परमेश्वर ने 2021 साल पहले अपना काम पूरा कर दिया, और पौलुस ने, प्रेरित पौल ने कहा कि ये बात आत्मा के प्रकाशन के द्वारा मुझ पर क्या हुई है, प्रकट हुई। और वही बात जो यीशु मसीह ने पत्रस को कही थी, हाँ, कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। और ये स्वर्ग की कुंजियां क्या हैं, रोम से लेके तसलुकियों की पत्रियों का ज्ञान। जैसे रोम की पत्री 8:1 में हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा, अब जो मसीह यीशु पे हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, पर उन उनके लिए जो शरीर अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि पाप और मौत की व्यवस्था से परमेश्वर ने मसीह में उसे क्या कर लिया, छुड़ा लिया। क्या कर लिया है, उन्हें छुड़ा लिया है। आज उद्धार की कलीसिया को पता नहीं, हाँ, छुड़ाए गए हैं, बचाए गए कि नहीं है, आज भी वो अपने छुड़ाए जाने के लिए, बचाए जाने के लिए प्रार्थना कर रही है। हाँ, परमेश्वर में अच्छा कर, हाँ, क्या कर, क्योंकि वो परमेश्वर के इस प्रबंध को जानते नहीं। आज भी लोग अपनी बंधनों को तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने बंधनों को तोड़ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं। आज भी लोग, हाँ, जैसे तेल और पानी रुमाल, हाँ, कितने लोगों का मन तो इन्हीं चीजों पर लगा हुआ है, किन पर, तेल पानी रुमाल की चीजों पर ही मन लगा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रबंध को जानते नहीं है। क्या नहीं जानते, नहीं जानते, जबकि बाइबल बताती है ये स्वर्ग की कुंजियों मैं तुझे दूंगा, ये आत्मा, ये परमेश्वर का जो प्रबंध, पौलुस ने कहा मुझे आत्मा के द्वारा प्रकाशन हुआ, हाँ, इसलिए कहता अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, पर उनके लिए
जो शरीर अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, और आत्मा के अनुसार चलने वाले को यह समझ है कि मैंने कोई पाप नहीं करना, मैंने कोई गलत काम करना, बोलो क्या नहीं करना, मैंने किसी की चुगली नहीं करनी, क्या नहीं करनी, अब मैंने किसी की चुगली नहीं करनी, मैंने किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, मैंने किसी से विरोधता नहीं करनी। करोगे तो पाप लिखा द्वार पे खड़ा है, बोलो क्या है, पाप द्वार पर लिखा, जो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। और आत्मिक बंदा ये बातें समझता है, इसीलिए लिखा ना, आत्मा के काम भी प्रगट है और शरीर के काम भी प्रगट है, आत्मा के काम भी प्रगट है और शरीर के काम भी प्रगट है। और शरीर के काम क्या है आपको पता है, शरीर के काम बोलो क्या है, पता है कि नहीं पता, शरीर के काम क्या है, पता है ना क्या है शरीर के काम, पढ़े हाँ, तो क्या है, हाँ तो ऐसे लिखा है ये पांच गलातियों पांच उसकी 19 में लिखा, शरीर के काम तो प्रगट है, नोट करो सब, 19 में लिखा, पांच की 19 में, शरीर के काम तो प्रगट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, ठा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। क्या है, ऐसे बहुत से काम है। हाँ बोलो क्या है, ये शरीर के काम है जो यहां पे लिखे हैं। और अगर ये चीजें आपके जीवन में है, बोलो क्या है, अगर आज भी आपके जीवन में, क्योंकि फिर आप हाँ, जैसे इब्रानियों की पुस्तक में अभी हमने पढ़ा कि जो एक बार वर्दी स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं, जब अगर भटक जाएं तो उन्हें फिर नया बनाना अनहोना है। बोलो क्या, नया बनाना अनहोना है, समझते हैं ना, फिर वो बार बार वो उन चीजों को सुनू, आपके लिए कौन क्रूस पे मरा। हाँ इसीलिए पौलुस ने कहा, मैं तुम्हें अन्न खिलाना चाहता था, तुम अब भी दूध पीने वाले हो। मैं तुम्हें परमेश्वर की बड़ी बातों को बताना चाहता था जो उसने मुझ पर क्या किया, आत्मा के द्वारा प्रकाशन से मुझ पर प्रकट की। हा? मैं तुझे अन्न खिलाना चाहता था पर तुम आज भी दूध पीने वाले हो, दूध पीने वाले जैसे आज भी लोग, हाँ कोई साल, कोई 6 महीने, 2 साल, 3 साल से आज भी अपने पापों के लिए क्या कर रहे हैं, आज भी वो पापों में फंसे हैं। क्यों फंसे हैं, एक तो शरीर की चीजें क्या कर रहे हैं, एक तो शरीर की चीजें, समझ रहे हो, पर आत्मा के फल क्या हैं, आत्मा के फल हैं आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, समझते हो, और ऐसे ऐसे कामों में कोई व्यवस्था नहीं। अगर ये काम व्यवस्था एक पाप को दर्शाती है, और आज भी अगर ये चीजें आपके जीवन में है तो आज भी वो पाप आपके क्या है, जिसे आज से 2021 साल पहले परमेश्वर ने आकर हाँ अपना काम क्या कर दिया, पूरा कर दिया, अगर आज भी ये चीजें आपके अंदर है, आपने चेक करना, क्यों बाइबल बताती है अपने आप को चेक करो, हर एक बंदे को अपने अपने बारे पता है, बोलो क्या है, हर एक बंदे को अपने अपने बारे पता है, हाँ मैं क्या कर रही हूं, क्या कर रहा हूं, किसे पता है, पता कि नहीं पता। हाँ इसीलिए फिलिपियों 2:1 में ऐसे लिखा, अगर तुम कहते हो कि मेरी मसीह के साथ सहभागिता है, सांझ है, तो लिखा आपस में एक मन रहो, कैसे रहो, आपस में एक मन रहो, एक ही मनसा, एक ही चित्त रखो। अगर तुम कहते हो कि मेरी सहभागिता, मेरी सांझ किससे है, बोलो मेरी सांझ किससे है, एक ही मनसा, एक ही मन रखो, समझ रहे हो, आज मसीह के विरोधी हो चुके हैं, मसीह के विरोधी हो चुके हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, उसके प्रबंध को समझते नहीं। हाँ अगर ये चीजें आज भी अगर किसी के विरोध है, हमारा किसी से विरोध है,
क्यों यीशु मसीह ने कहा दुश्मनों से भी क्या करो? सुनो, ध्यान से सुनो, सुनो 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 सारे। उसने कहा दुश्मनों से भी क्या करो, प्रेम करो। क्या करो? प्रेम करो। उसने कहा जिससे तुम प्रेम करते हो, हाँ, उसने कहा दुश्मनों से प्रेम करो, जिससे जो तुमसे प्रेम करता है, अगर तुम उससे प्रेम करते हो तो उसने कहा ये तो पापी लोग भी करते हैं, तुझमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ये तो पापी लोग भी करते हैं। क्या करते हैं? ये तो पापी लोग भी करते हैं। तो कैसे परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा? हाँ, बोलो, कैसे उसका अनुग्रह आपके जीवन में आएगा? इसीलिए आज उद्धार की कलीसिया को परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध का पता नहीं, और ना पता होने की वजह के कारण ही परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा नाश हो रही। और इन बातों को अपने सीखना है, समझना है, और समझ कर किसके साथ चलना है। अगर आप चाहते हो कि मेरा भला हो, क्या हो? मेरा भला हो। और कभी हाँ, जैसे कन्वे जबूर में ऐसे लिखा है, तो उसको कई लोग बहुत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अपने दुख के लिए उस वहां पे ऐसे लिखा है, हाँ? पर उस वचन का, उस समय का जो प्रबंध है, उस वचन का जो मतलब है, वो जानते नहीं। क्या नहीं करते? वो जानते नहीं, और वो पढ़ी जा रहे हैं, हाँ? समझ आ रहे हैं? इसलिए आपने ये बातों को बहुत ध्यान से समझना। इसलिए पौलुस ने कहा ये आत्मा के प्रकाशन के द्वारा ये भेद मुझ पर प्रकट हुआ। और यही भेद पहले किस पर प्रकट होने वाला था? पत्रस पर। किस पर प्रकट होने वाला था? पत्रस पर। पत्रस आगे जाकर, हाँ, जैसे पत्रस आगे जाकर लिखा टेढ़ी चाल चलने लगा। कैसे चलने लगा? टेढ़ी चाल चलने लगा, कुछ गलत चीजें करने लगा। क्या करने लगा? गलत चीजें करने लगा। समझ आ रही है? जिन यहूदियों को वो कहता था ये नहीं खाना, लिखा उन्हीं के साथ वो खाता पीता था, गलत चीजें करने लगा, जिसके कारण जो चीज परमेश्वर ने ये भेद जो पत्रस के जीवन से आज उद्धार की कलीसिया को जो परमेश्वर ने अपना वचन दिया, रोम की पत्री से लेके तसलुकियों की पत्रियां, हाँ, क्या दिया? ये भेद का जो वचन आज दिया, लिखा ना, ये भेद समय और पीढ़ियों से गुप्तता पर अपवित्र, अब परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों पर क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। क्या कर दिया? अब अपने पवित्र लोगों पर प्रकट कर दिया। और यही चीज पहले पत्रस पर प्रकट होने वाली, पर आगे जाकर उसने कुछ गलत चीजें की, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसे छोड़कर किससे चुन लिया? किसे चुन लिया? पौलुस को, जिसका पहला नाम शौल था। और पौलुस का नाम, पहला नाम शौल था। और शौल, पौलुस एक दिन, वो भी यीशु मसीह को नहीं जानता था, हा? क्या नहीं जानता था? क्या नहीं जानता था? वो नहीं जानता। और वो लोग जो उस समय की कलीसिया थी, जो यीशु मसीह का नाम लेते थे, वो मार रहा था। क्या रहा था? और उसी पर ज्योति चमकी, और उसी को परमेश्वर ने चुन लिया, हा? और वही भेद जो पत्रस पर प्रकट होना था, किस पर प्रकट किया? पौलुस पर। आज उद्धार की कलीसिया के लिए, बोलो किसके लिए? आज की उद्धार की कलीसिया के लिए। यह परमेश्वर का प्रबंध है कि परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान किस पर प्रकट किया जाए? शैतान पर। किस पर प्रकट किया जाए? शैतान पर। अर्शतान कब आपके जीवन से जाएगा? बीमारी कब आपके जीवन से जाएगी? जब आप सिद्ध हो गए। क्या हो गए? जब आप सिद्ध हो गए। जब तक आप अपनी उस पाप वाली चीजों को छोड़ोगे नहीं, क्या नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, परमेश्वर ने तो अपना काम पूरा कर दिया आज से 2021 साल पहले। हाँ, शुगर आज से 2021 साल पहले क्रूस पर परमेश्वर ने खत्म कर दी। हाँ, क्या कर दी? खत्म कर दी। हर एक बीमारी को आज से 2021 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर लेकर मर गया। क्या मर गया? पर आज भी लोगों को पता नहीं। क्या नहीं पता? आज लोगों को पता नहीं।
और ना पता होने की वजह के कारण परमेश्वर ने कहा मेरे लोग क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, नाश क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। समझ आ रही है? तो इसलिए अपने पवित्र बनना है, जैसे बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, अपने सारे चाल चलन में क्या हो जाओ, पवित्र हो जाओ, क्या हो जाओ, पवित्र हो जाओ। समझ आ रही है? क्योंकि जब तक हम वैसा नहीं करेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है तो कुछ नहीं होगा। हाँ, उसने कहा दुश्मनों से भी क्या करो, प्रेम करो, अपने करना है। इसीलिए कहा जैसा स्वभाव यीशु का वैसा ही तुम्हारा भी हो। क्या हो? जैसा स्वभाव यीशु का वैसा ही तुम्हारा भी हो। समझ आ रही है? मैंने कहा समझ आ रही है? हाँ, मैं आपको एक बंदे की गवाही बताता हूं। तब मैंने सेवा शुरू नहीं की थी, मैं किसी चर्च में जाता था। वहां पे एक लड़का था जो अगर उसका जीवन देखे तो उसकी गवाही बहुत बड़ी है, क्योंकि वो एक दिन नशे में था। मतलब उसकी हालत बहुत बुरी थी, पता नहीं वो कब तक वो जिएगा, ऐसा उसका जीवन था। पर एक दिन उसके जीवन में यीशु मसीह आया। कौन आए? यीशु मसीह आए। और जब यीशु मसीह आए और उसे ये सत्य पता लगा कि सत्य क्या है, सच क्या है, यीशु मसीह कौन है, क्यों आया है, समझते हो? बोलो क्या है, वो क्यों आया है? और वो अपनी गवाही देता था कि मैं कुवाड़िये का काम करता था। किस चीज का काम करता है? कुवाड़िये का। वो कहता है कि मैं वो जो तकड़ी होती है उसके हाथ में ही ऐसे कोई सिस्टम था कि वो पता नहीं कितने कितने किलो लोगों के सामने वो ऐसे जब तोलता था तो वो कहता इतने हो गया, पता नहीं चलता। क्या करता था? ऐसे करता था। और उसने कहा कि मैंने जब परमेश्वर के उसके प्रबंध को सच्चाई को समझा तो मैंने कहा यह गलत है। उसने ये चीज छोड़ दी। क्या कर दी उसने? ये चीज छोड़ दी। फिर उसे पता चला कि परमेश्वर ने आज मुझे जीवन दिया है। हाँ, और परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। क्या चाहता है? सबको बचाना चाहता है। और वो लोगों को गुड न्यूज देने लगा और लोगों को बताने लगा, लोगों को गुड न्यूज देने लगा, यीशु मसीह के बारे बताने लगा। मुझे आज भी पता है कि वो अजनाले, इस अजनाले से भी आगे उसने किसी को शुभ समाचार दिया। तो उसने वो कुवाड़िये का काम करता था, उसने ऐसे वो मोटरसाइकिल के आगे वो पीछे बना लेते हैं रेडी, क्या बनाते हैं, मोटरसाइकिल के आगे वो पीछे रेडी बनाते हैं, तो उसके ऊपर वो ऐसे चल अपना काम करता था। तो उसे कोई बंदा मिला और वो सुबह पहले 7 बजे उठता और उस बंदे को वहां से अपनी, क्योंकि जिस बंदे को उसने गुड न्यूज दी उसका ये टांगे चलती नहीं थी, उसका शरीर दर्द जे इसका डेड था, नीचे का दर्द क्या था उसका डेड था। तो वो बंदा क्या करने लगा, लोगों को बताने लगा और उस बंदे को उसने उसके भले के लिए, बोलो उसके भले के लिए उसने क्या किया कि उससे रोज संडे, रोज मतलब एवरी संडे, हाँ, तो हर संडे वो सुबह 7 बजे पहले उसने अपने घर से जाना और उसको अपनी उस रेडी पे बैठाकर उस चर्च में पहले उसको छोड़ना, फिर घर जाना, फिर अपनी फैमिली को लेकर आना। देखो उसका मन क्या है, देखो उसका मन कैसा मन था। समझ आ रही है? देखो उसका मन। और बाइबल में लिखा है कि जो लोग ऐसे करेंगे, दानियल की पुस्तक में लिखा, वो तारों के जैसे चमकाए जाएंगे। हाँ? अगर आप किसी को 10, 20, 50, 100 उसका लगाकर लेकर आ रहे हो, परमेश्वर उसका अजर देने वाला आपको। पर शैतान पता आपको मसीह लोगों को ये चीजें करने नहीं देता। क्या नहीं करने देता? उनके अंदर वो प्रेम प्रकट नहीं होने देता। आपको पता यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था एक सामरी दयालु का। हाँ? क्योंकि सामरी लोगों का मसीह के साथ कोई भी नाता नहीं था। क्या नहीं था? यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। हाँ?
क्या कहा? एक दृष्टांत कहा कि ऐसे ऐसे लिखा है वहां पे, एक दयालु सामरी कि एक नगर में ऐसे यीशु मसीह ने कहा कि एक बंदा जा रहा था तो उसे डाकुओं ने पकड़ लिया और उसे मारा पीटा और उसका जो कुछ भी उसके पास था उन्होंने लूट लिया और अधमुआ करके उसे छोड़कर चला गए। क्या चले गए? चले गए, ध्यान से सुनो। और उसी रास्ते से एक लेवी निकला। कौन निकला? लेवी निकला और उसने उसे देखकर लिखा चुपके से निकल गया। और उसी नगर में फिर एक जाजक निकला, उसने भी उसे देखा और निकल गया। लिखा उसी रास्ते से फिर एक सामरी निकला जिसका परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं। हाँ, जैसे जो लोग नहीं जानते उनका मसीह के साथ, मसीह लोगों के लिए क्या संबंध है, वो क्यों लेकर आएंगे, उन्हें क्या परेशान हुआ हम लेकर आते हैं, है ना। ये दृष्टांत यीशु मसीह ने इसलिए दिया है ना। तो लिखा लेवी भी निकल गया और जाजक भी, जिन्हें परमेश्वर ने शुरू में अधिकारी ठहराया। क्या ठहराया? अपने अधिकारी ठहराया। लिखा एक सामरी निकला, जब उसने देखा तो उसने अपनी सवारी, सवारी मतलब अपने गधे पर उसे उठाया, हाँ, एक सराय में ले गया और वहां पे उसकी मलम पट्टी की। क्या की? मलम पट्टी की। उस सराय में उसे, उस सराय के मालिक को कहा कि अगर कुछ और भी इसका लगे तो आते समय में वो भी भर दूंगा। क्या कर दूंगा? तेरा जितना भी इस पर लगे मैं वो भी भर दूंगा। समझ आ रही है? अब हमें मसीह लोगों को परमेश्वर की मर्जी को, इच्छा को कितना पूरा करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत निकट है। बोलो समय क्या है? बहुत निकट है। यीशु मसीह का आना इस दुनिया में बहुत नेड़े है। बोलो क्या है? यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, मैंने कहा बहुत निकट है। बोलो क्या है? बहुत निकट है और लोगों को पता नहीं। बोलो क्या है? लोगों को पता नहीं। बोलो क्या है? लोगों को पता नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रबंध को जानते नहीं। क्या नहीं करती? क्योंकि उन्हें पता नहीं, क्योंकि ये अंतिम समय है। जैसे शुरू में आदम और हवा ने पाप किया, पहला प्रबंध। दूसरा प्रबंध, जब पाप आ गया मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई, समझ रहे हो। और तीसरा प्रबंध जब यीशु मसीह आए, हाँ, तीसरा प्रबंध जब यीशु मसीह आए तब पाप था। और उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को आकर यीशु मसीह का, हाँ, बारे कहा, समझते हो, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं अपने पापों से मन फराने के लिए, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। किसे देगा? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। समझ आ रही है? किसे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा से देगा, समझ हो। तो ये तीसरा प्रबंध। और चौथा प्रबंध जो परमेश्वर ने अपने दास प्रेरित पॉल के ऊपर ये भेद प्रकट किया, आज उद्धार की कलीसिया के लिए। किसके लिए? उद्धार की कलीसिया के लिए, समझ हो। आरास इस अनुग्रह के प्रबंध में, कृपा के युग में, जैसे लोग कहते हैं ना कल युग, मैंने कहा कृपा के युग में, क्योंकि इस युग में हम जो चाहत करेंगे, जैसे उसने क्यों कहा तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खोलेगा। और ये कब होगा? जब हम उसकी बात को मानेंगे। क्यों यीशु मसीह ने कहा बुद्धिमान है जो मनुष्य मेरी बातें सुनता और मानता, बुद्धिमान है मनुष्य जो मेरी बातें सुनता और मानता, क्योंकि उसने अपना घर कहां पे बनाया? चट्टान पर। हाँ, और वो चट्टान कौन था? यीशु। कौन था वो चट्टान? यीशु था। इसलिए पत्रस ने उसे कहा ना, तू पत्रस है और मैं पेट्रा। हाँ, क्योंकि ओरिजिनल टेस्टमेंट में पत्रस को पीस ऑफ प्रोक मतलब एक छोटा पत्थर कहा। हाँ, ओरिजिनल टेस्टमेंट का जो वचन है, जो पीस
ऑफ रॉक, तू एक छोटा पत्थर है, पर मैं पेट्रा मतलब मैं चट्टान हूं और मैं इस पर कलिसिया बनाऊंगा कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल हो। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। क्या दूंगा मैं? स्वर्ग राज्य की कुंजियां तुम्हें दूंगा। समझ आ रही है? स्वर्ग राज्य की कुंजियां, हाँ, यही बे जो आंस आत्मा के द्वारा प्रेरित पौल पर उद्धार की कलिसिया के लिए परमेश्वर ने आज प्रकट कर दिया। क्या कर दिया? कि उन प्रधानों पर, अधिकारियों पर, हाँ, जो ऊंची स्थानों पर प्रकट किया जाए, हाँ, शैतान के ऊपर क्या किया जाए, परमेश्वर का वो भेद जो समय और पीढ़ियों पर गुप्त था, आज पवित्र लोगों पर क्या किया जाए, प्रकट किया जाए। क्या किया जाए? पर अगर आज के लोग इस बात को समझते नहीं, वो जानते नहीं, हाँ, अपनी किसी भी जरूरत के लिए, किसी भी काम के लिए, हाँ, जैसे लोग अपने छोटे छोटे कामों के लिए कितना ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि वो सत्य को जानते हैं, हाँ, अपनी किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी चंगियाई के लिए, किसी भी दुख के लिए, किसी भी जरूरत के लिए उन्हें यह पता नहीं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, हाँ,